शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के शक्तिपुरम खुड़ा में रहने वाले युवक ने 4 दिन पहले पुलिस से शिकायत की थी कि उसने गहने अपने रिश्तेदार को रखने के लिए दिए थे, लेकिन रिश्तेदार महिला ने जब वह जेवर किसी अन्य व्यक्ति को लेकिन रिश्तेदार महिला ने वह जेवर किसी अन्य व्यक्ति को गिरवी रख दिए। इसके कारण उसके बेटे की शादी में अड़चन आ रही थी। जानकारी के अनुसार टीआई कोतवाली अमित भदौरिया ने बताया कि बलराम सेन निवासी शक्तिपुरम खुड़ा ने 4 दिन पहले कोतवाली में आवेदन देकर शिकायत की थी कि उसकी बेटी की शादी है और उसने अपने रिश्तेदार के यहाँ गहने रख दिए थे, लेकिन जब बेटी की शादी के लिए गहने मांगे तो महिला ने किसी और को गिरवी रख दिए, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जहां पर गहने रखे थे वहां से बरामद कर बलराम सेन को सुपुर्द कर दिए हैं। वहीं जब बलराम सेन के चेहरे पर मायूसी से खुशी छा गई है, कोतवाली टीआई अमित भदौरिया ने बताया कि अगर अपराध का तथ्य सामने आएगा तो उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। क्या नाम है आपका? बलराम सेन। पिताजी का नाम? राम सेन। उम्र? कहाँ रहते हो आप? क्या हो गया था? मेरी भतीजी को चीज लगाई थी, हाँ, तो उसने कहीं रख दी थी, आज पुलिस ने दिलवा दी। क्या क्या चीजें आपकी है? हार है, चूड़ी है। वापस मिल गई आपको? वापस मिल गई। ठीक है, आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हो। ठीक है, आप ले जा रहे हो सामान साथ में? ठीक है। सर, एक युवक के गहने गुम होने की जानकारी थी, क्या कुछ सर ये पूरा मामला? देखिए, बलराम सेन निवासी शक्तिपुरम खड़ा ने 4 दिन पहले एक आवेदन प्रस्तुत किया था। काफी विचलित अवस्था में थे। उनका कहना था कि हमारे एक रिश्तेदार को हमने जेवर रखने को दे दिए थे, पहला रिश्तेदार को। अभी उनकी कुछ दिनों बाद बच्ची की शादी होना थी, तो हमने उस शादी के लिए वो जेवरों को जब उस महिला से मांगा तो ये तथ्य सामने आया कि उस महिला ने बहुत समय पहले ही वो जेवर किसी के यहाँ गिरवी रख, तो उसने पुलिस से मदद चाही कि शादी से पूर्व हमें वो गहने कैसी भी हालत में प्राप्त हो जाए। तो तत्परता पूर्वक हमारे सब इंस्पेक्टर सुमित शर्मा और दीपक पलिया ने जाके उसकी इमदाद की और लेके गहने जहां रखे थे वहां से उसके सुपुर्द करा दिए। आगे हम तथ्यात्मक जांच कर रहे हैं, अगर इसमें कोई अपराध प्रकाश में आएगा तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।